दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई राह क्रम मार्गी नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वणकम जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण जय सच्चिदानंद। फ्रेंड्स दादा भगवान परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। मोह माया अटैचमेंट क्या है ये, क्या सारी दुनिया इसी से बंधी है? क्या यही मोह का अटैचमेंट का बंधन हमें सारी जिंदगी भटकाता रहता है? क्या है ये मोह? बचपन में खिलौने का, टीनेज में हाईटेक फोन्स या गैजेट्स का, जवानी में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स का, शादी के बाद तो मोह या एक्सेसिव अटैचमेंट की परंपरा ही चालू हो जाती है। फिर मिडिल एज में बच्चों का मोह और ओल्ड एज में बच्चों के बच्चों का मोह, और किसी भी स्टेज पे आप सब कुछ पालो लेकिन सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं, हर बार नई दौड़। तो क्या कोई उपाय है उससे समझने का या फिर इस मोह माया या अटैचमेंट की चक्कर से बाहर निकलने का? चलिए सुनते हैं अपने अगले सेगमेंट में अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। I saw lots of more. I did samayik on the analysis of which trouble is the root cause of my conflicts. I saw lots of more, extreme more in my prakriti. There was more on man, pakkad on agraha. More on Tharyu Karvu, more on Sachi Chu, more on speech that comes out, Vani no mo, Vat no mo. I understood more attachment, the belief, Hu Sachi Chu, is the correct understanding? Please explain this in detail. How should I do Pratikaman to remove mo? Will repeating noemara dissolve this mo? Jai Sachidanand Pujishri. नहीं ऐसा नहीं, अभी ये हमारे पास इतने दोष तो है, उसे हस्बैंड को बच्चे को या किसी को दुख हो जाता है ये इस प्रकार के दोषों से? हाँ जी। हाँ तो लिस्ट बना के प्रतिक्रमण करते रहो तो प्रतिक्रमण से दोष भी कम होंगे और ये दोषों की एक एक लेयर्स कम होते जाएंगे। ओके। स्लोली आप पुरुषार्थ करते जाओ। ये तो है मगर एक दिन में खत्म नहीं हो जाएगा, उसका उपाय करो कि ये गांठ ग्रंथि में से किसी को दुख हो गया तो प्रतिक्रमण करो। और दूसरा विधि वांछन सामायिक प्रतिक्रमण, चार स्टेप बताया। हाँ। तो विधि करना वो भी छोड़ो मत, वांछन भी करना छोड़ो मत, बाद में प्रतिक्रमण भी करो, और ये फोर्थ पार्ट में लेना है। थ्री पार्ट वो करने के बाद ये फोर्थ पार्ट करो। ओके। एक सर्वस्व इसको मत करो और दूसरा प्रतिक्रमण में टेंशन में मत आ जाओ। धीरे धीरे फोर डिवीजन करो। चलो विधि एक घंटा अच्छी तरह करो, दादाजी की किताब अच्छी तरह पढ़ो, ब्रह्मचर्य का पार्ट भी है, नवमी आपतानी जैसे, छठी आपतानी जैसा। हाँ। थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ना, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, जो भी ठीक लगे। बाद में प्रतिक्रमण भी, किसी को दुख हो गया या दृष्टि दोष, दोनों के थोड़े थोड़े प्रतिक्रमण करो। हाँ। और बाद में थोड़ा सामायिक में एनालिसिस करो कि क्या है, और सिंपल इक्वेशन इतना ही करना है कि किस प्रकार ये दोष डेंजर है, जोखम है, ऐसे नहीं होने की शक्ति मांगो। हाँ। टेंशन में मत आ जाओ। हाँ पूज्यश्री। रहेगा याद आपको? हाँ पूज्यश्री याद रहेगा आपको? हाँ जी याद रहेगा। नहीं फ्रस्ट्रेशन में आ गए, वो कैसे आ गया, वो नहीं आने का, शक्ति मांगो। हम डिस्टर्ब हो जाएंगे तो कुछ आगे बढ़ने के लिए सूझेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। थोड़ा शक्ति मांगने से दादा भगवान ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शक्ति दो, ये प्रकृति को संभाव से निकाल करने की शक्ति दो, तो जागृति बढ़ जाएगी। हाँ, अभी ज्ञान लेके 3.5 years हो गया, ज्यादा प्रोग्रेस ही नहीं हुआ करके। हाँ, अंदर से ऐसा मन बोला, में किसने बोला प्रोग्रेस नहीं हुआ? मेरे अंदर ऐसा बुद्धि बोलती आपको लगता है ये सत्संग में आए तो प्रोग्रेस है तो ही आप सत्संग में आ सके हो, नेगेटिव सोच के आप डिस्टर्ब मत हो जाओ। हाँ पूजिश, थोड़ा पॉजिटिव देखो, ये बुद्धि बताएगी तो बोलो। सारी दुनिया को तो ज्ञान मिला ही नहीं, उससे तो 3.5 years, एक घंटे में आत्मा ज्ञान होता है तो 3.5 years में कितना घंटा हमने निकाला, तो हमारा अच्छा प्रोग्रेस है। हाँ बुजिश।
आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है हमारे जिंदगी के हर एक सवाल को। दोस्तों आज हम सुन रहे हैं मोह माया अटैचमेंट के बारे में। तो देखा है मोह कहाँ नहीं है, जो अटैचमेंट है वो कितना होना चाहिए। कई बार हम बच्चों के या फिर बच्चों के प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि फर्ज और मोह में अंतर पता नहीं चलता। क्या इसकी कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन है? चलिए सुनते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। फाइल नंबर 2 और 3 से जितनी भी बार कषाय होता है, क्रोध होता है, द्वेष होता है, कठोर भाषा का प्रयोग होता है, तब सामायिक करती हूँ तो हर बार मोह पर ही बात अटक जाती है। कहाँ है फिर उसका प्रतिकोण प्रत्याख्यान आलोचना कैसे करें? देखकर समझाइए, सीधी बात है। देखो आपने क्रोध होता है उसका प्रतिकोण करो, द्वेष होता है उसका प्रतिकोण करो, कठोर भाषा का प्रयोग होता है उसके प्रतिकोण, जो दोष होते हैं उसके भी प्रतिकोण करो, तो प्रतिकोण से दोष भी कम होते जाएंगे, मोह की गांठ भी कम होते जाएंगे। हाँ, वैसे मैंने जब प्रश्न दिया था अभी सुबह से जो प्रश्न के उत्तर मिले उससे काफी समाधान हो गया, पर सरला में मोह की गांठ बहुत मोटी और गाढ़ी है। आपने सामायिकी के जितने भी सब्जेक्ट दिए थे उन सभी का जब परिणाम देखते हैं जितने भी प्रसंगों का, तो सिर्फ मोह ही दिखाई देता है। हर बार क्या सेट करें ऐसे कुछ, यानी एंड बस यही आता है कि मोह की वजह से ऐसा हुआ, मोह की वजह से ऐसा। क्या मोह है बच्चों के साथ? मोह का स्वरूप क्या समझते हो आप? मोह किसके बोलते हो? यानी क्रोध हुआ बच्चों के साथ, तो मोह क्या मोह? तो मोह की वजह से क्रोध हुआ। मोह का स्वरूप क्या बोलते हो? मोह यानी बच्चा हमारा अच्छा होना चाहिए, हमारा मानना चाहिए, हम कहें ऐसा ही चलना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये मोह का डिवीजन करो, मोह में क्या क्या आपकी मान्यता है, हमारी मनमानी हम अपेक्षा रखते हैं। मोह यानी अटैचमेंट है, हमारा लड़का स्कूल में फर्स्ट आना चाहिए, हमारा लड़का इंजीनियर होना चाहिए, ऐसे मोह है। हाँ, हाँ, हाँ। एक्सपेक्टेशंस है तो कम करो, नहीं व्यवस्थित में जो है तो भले हो। हाँ, पर हर प्रसंग आप बताते हैं कि हर मतलब एक एक प्रसंग को देखो हर सब्जेक्ट में, तो बस ले देकर एक ही एक बात आती है कि एक ये... बात आती है, मगर मोह यानी क्या मालूम है? इंडिया। हमको बार बार एक ही बात याद आती है, इंडिया। पर इंडिया में कहाँ जाना है? राजस्थान है, अहमदाबाद, गुजरात है, बहुत सारे 18 तो स्टेट है उसमें, और एक एक स्टेट में 18 तो कितने हजारों जिले है, हजारों तालुका है, कितने गाँव है। मोह एक शब्द से पूरा नहीं हो जाएगा, इसी उलझन में मोह की डिटेल स्टडी करो, कौन से किस प्रकार का मोह है और वो मोह को डिसॉल्व करो। एक्सपेक्टेशंस है तो किस प्रकार के एक्सपेक्टेशन, मोह का स्वरूप डिटेल में कहाँ मिलेगा, तो मोह के लिए किस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है उसको लिस्ट बनाओ, और एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने के लिए क्या प्रकृति काम कर रही है उसकी डिटेल पकड़ो। नहीं समझ में आया? आया। हस्बैंड मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस है। हाँ। तो वो मोह के वजह से है। हाँ। और वो मोह नहीं पकड़ा जाएगा, तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस तो पकड़ी गई, तो उसके डिसॉल्व करो कि भाई ऐसे व्यवहार करना चाहिए, मगर वो खुद कर सकता है कि शुद्धात्मा कर सकता है? खुद नहीं, खुद व्यवस्थित के अधीन है, शुद्धात्मा इसे पर है, और ये सरला को मिले न मिले व्यवस्थित का हिसाब है, तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशन रखना वो हमारी गलती है। गलत है। इसे धीरे धीरे एनालिसिस करके एक्सपेक्टेशंस को डिसॉल्व करो, तो मोह भी डिसॉल्व होएगा, एक्सपेक्टेशंस भी डिसॉल्व होगी। समझ में आया आपको? हाँ। मोह को डिटेल में जाओ, मोह यानी क्या, किस प्रकार का मोह, कौन सी प्रकार के मोह खड़े होते हैं। अभी जैसे आपने अपेक्षा बताया है ना, अभी बस इसी तरह डीप डाउन में लिस्ट बनाओ, आप सिर्फ सामायिक में देखो मत, लिस्ट बनाओ कागज के ऊपर। अच्छा। और लिस्ट बनाने के बाद ऐड करते जाओ, समझ में आया? और जितना दिखाई दिया उसके ऊपर एनालिसिस करके प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करो। अच्छा। और सिंपल है कि आपने लिखा ही है, क्रोध होता है, द्वेष होता है, कठोर भाषा का प्रयोग होता है, ये 3 शब्द लिखे है, और 30 है विचार भीतर में, तो पकड़ पकड़ते हैं, आग्रह रखते हैं, अभिप्राय देते हैं, टोंट भी मार देते हैं, पिछली बात याद करके भी टोना मार देंगे, बराबर कितनी प्रकार के गलतियां हो जाती है, उसको लिस्ट बनाते जाओ और उसके ऊपर सीधी इस प्रकार के दोष हो गए, इसके लिए माफी मांगती हूँ, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। हाँ। सिंपल। और सरला के पास कराना, वो हमारा प्रिंसिपल छोड़ना नहीं। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ, आया। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दीपक भाई, मुझे ऐसा मोह में समझ लो 10 साड़ी पहना है, तो उसमें से मैं प्रयत्न करती हूँ कि कम साड़ी पहनना, तो भी मोह रहता है, वो मोह निकलता नहीं।
नहीं मगर एक नई ली तो एक जूनी पुरानी निकाल दो। नहीं वो मैं कोशिश करती हूँ। एक आइडिया बताता हूँ आपको, नई एक लेने की एक पुरानी निकाल देने की। लेकिन नई ज्यादा, नई साड़ी ज्यादा आ जाती है। हाँ तो पुरानी ज्यादा निकाल दो। नहीं निकालने का मोह, निकालने का मन नहीं होता है। नहीं, नहीं ये बार पहन लूँ बाद में निकालूंगी ऐसा। नहीं, नहीं दूसरे किसी को नीडी जिसको जरूर होगी उसको दे दो। नहीं कोशिश देती हूँ तो भी ज्यादा स्टॉक हो जाता है। नहीं अभी है ना उस साड़ी का मोह छोड़ दो, मनुष्य को दुख देने का बंद कर दो और कोई अपमान करे तो उसको उपकार ही मानो और उसको बोलने का कुंदन जी आपको दो साड़ी मिली अपमान का दुख क्यों हो गया आपको, साड़ी आपको सुख नहीं देती है पूछो उनको इतनी अच्छी साड़ी मिली तो सुखी होना चाहिए, दो साल तक शांति शांति, जरा इंसल्ट आ गया तो वापस दुख, तो ये साड़ी का भी सुख क्या सुख है वो उतर जाना चाहिए कि सुख नहीं देने वाली चीज। समझ में आया? देख सच्चिदानंद। दोस्तों आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह जो सुल जाता है जिंदगी के हर एक सवाल को। दोस्तों आपको सबसे ज्यादा मोह किस पर है, घर पर, अपनी कार पर, या फिर बच्चे या बीवी पर? क्या यही एक्सेसिव अटैचमेंट हमारे दुख का कारण नहीं होती? आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें मोह के बारे में हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। मैं भगवान की भक्ति भी करती हूँ लेकिन मेरा परिवार के प्रति मोह नहीं छूटता, इस वजह से सास बहू में अनबन हो जाती है। मैं गुरु दीक्षा ले रखी है, क्या मैं ज्ञान ले सकती हूँ? हाँ जरूर लेना चाहिए, ज्ञान भी लो और बाद में सास के लिए जो भी हमारे प्रति हमारे दिल में दोष होते हैं, दोष दृष्टि सास के प्रति है, उसके लिए माफी मांगते रहो, धीरे धीरे सास और बहू का व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा। हाँ प्रतिक्रमण सीख लेना यहाँ पे। बच्चों को मारती है तो मैं उसको मना करती हूँ तो झगड़ा होता है हमारा। क्या बच्चों को क्या करती हो? मारती है वो बहू। सास वो बहू, आप सास हो। हाँ। आपकी बहू के लिए प्रॉब्लम आता है तो वो बच्चों को मारती है तो उसकी माँ है तो करने दो, आप दूर से देखो क्या हो रहा है, आप दखल मत करो, अपना बच्चा है ना, आपका बेटे को मारती है उसके बेटे को मारेगी, उसकी माँ है, हम क्या कर सकते हैं? अबे तो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल ही। अरे पोत वो बहू को, बहू मारती है कि आप मारते हो? बहू मारती है। वो देखो क्या बताती है। नहीं बहू मारती है। हाँ तो बहू को करने दो, बहू के बेटे हैं, हम क्या कर सकते हैं? अब वो छोटा बच्चा है 1.5 साल का, वो तो दोनों मजबूत हो जाएंगे। देखो छोटे बच्चे को मारेंगे तो कोई तकलीफ नहीं, वो मजबूत होते जाएगा अरे दोनों माँ प्रेम भी करेगी, थोड़ा डांटेगी भी, आप ज्यादा मत दखल करो, वो मारती होगी तो आप दूसरी रूम में जाके दादा भगवान ना हसीम जय जयकारो प्रतिक्रमण करो, प्रार्थना करो और दूर चले जाओ, देखा आएगा तो फिर बोलेगी आप क्यों कुछ बचाने के लिए नहीं आई, अब देखे ही नहीं तो फिर क्या बचाने की बात आएगी, घर में तो देखना आ जाता है, दूसरी रूम में चले जाने का दखल मत करो नहीं तो सास को मारेगी बहू, मालूम है आपको मार गिरेगी बाद में। जय सच्चिदानंद। एक ही उपाय है सत्संग के, हम दूसरे की समझ सुधार नहीं सकते, वो लोग सत्संग में आए तो उसकी समझ सुधरेगी तो घर में शांति बढ़ेगी, नहीं डॉक्टर के पास हम गए हम दवाई खाई हमारी तबीयत अच्छी हो गई, हमारी दवाई उसको नहीं दे सकते पर उसको डॉक्टर के पास लेके आए तो कभी ना कभी वो दवाई करेगा तो उसको भी तबीयत अच्छी होगी, ऐसे ये ज्ञान का रास्ता है समझ लेने का। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों अपने प्यारे आत्मज्ञानी ने हमें एक्सीलेंट टिप्स दी अटैचमेंट यानी कि मोह के बारे में, तो आज का टॉप ऑफ द लेसन यही रहेगा, अपनी फर्ज को समझे और मोह या अटैचमेंट को भी समझे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें hindi.dadabhagwan.org पर, इसके ऊपर आप बुक्स डीवीडी ऑडियो बुक फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कॉल करें 1-877-505-DADA-23। आपके विचार या सुझाव आप लिख भेज सकते हैं dadaonradio@us.dadabhagwan.org पर या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी रेडियो स्टेशन पर, तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट।